नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी जितने भी माता और बहनें हैं, आज मैं फिर आपके लिए एक नया संदेश और नई जानकारी देने आया हूं। आज मैं हर व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आया हूं। जैसे कि जिस घर में कमाते कमाते पूर्ति नहीं पड़ती है, कर्जा बना रहता है और घर में बरकत नहीं होती है, काम धंधों में रुकावट आती है, कभी चल जाता है तो कभी बंद हो जाता है, कभी मुनाफा होता है तो कभी घाटा आ जाता है, या किसी ने आप पर कोई ऊपरी बाधा कर दी है, या आपके काम को किसी ने रुकवा दिया है, आपके कारखाने को बंद करवा दिया है, या किसी की शादी में, भाई बहन की में रुकावट आ रही है, या शादी का योग नहीं बन पा रहा है, बार बार रिश्ते होकर टूट जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कई कई शादियां हो जाती हैं लेकिन कोई खुशहाली नहीं रहती है, दूर दूर हो जाते हैं, टूट जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं, केस मुकदमे हो जाते हैं। या जिन माता बहनों के संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, संतान सुख के लिए परेशान है, जिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, हमेशा कलेश रहता है, अनबन रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई टेंशन लेकर घर में लड़ाई होती रहती है, जिसकी लव लाइफ में हमेशा धोखा मिला है, लव लाइफ में टेंशन रहती है, जिस पे विश्वास करते हैं, जिसे अपना मानते हैं, वो ही बार बार धोखा देता है, या कर्जा से जिसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, कर्जा कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो कर्जा ज्यादा सर पे होता जा रहा है, या कोई भाई या बहन कोई जेल में है, बंधन में है, उसको रिहाई नहीं मिल रही है, मुक्ति नहीं मिल रही है, बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है, जिस घर में आए दिन परिवार में कलेश रहता है, कोई किसी का आपस में सम्मान नहीं करता है, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो या माता पिता हो, सभी के रिश्तों में जहां जिस परिवार में जिस घर में खटास चल रही हो, या जिस घर में पितृ दोष हो, देवता रुष्ट हो, या किसी भी देवी देवता का दोष चल रहा हो, या जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगली दोष हो, पितृ दोष हो, या सर्प दोष हो, काल सर्प दोष हो, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हम उनके लिए समय देते हैं, उनके लिए उपाय बताते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो नौ रत्न होते हैं, स्टोन होते हैं, उनको धारण करने से या उनका लोकेट गले में पहनने से या कवच बनवाने से इन विपताओं का, इन संकटों का नाश होता है। किसी को कैसी भी पूजा करवानी हो, गृह शांति की हो, या पूजा की सामग्री एक्स वाई जेड कोई सी भी हो, तो आप हमारे यहाँ से, हमारे कार्यालय से मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ सभी वस्तुओं की सामग्रियां हैं और सब हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ किसी भी ग्रह का रिंग या छल्ला जो पहना जाता है, धारण किया जाता है, वो सभी वस्तुएं हमारे यहाँ मिलती हैं। आप यहाँ मंगा सकते हैं, ऑर्डर करा सकते हैं, और जो भी किसी की समस्या है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 42 57 48 24।
यदि हमसे कोई बात करना चाहता है तो वो हमें नाइट में कॉल करे 9 से 11, क्योंकि हम नाइट में 9 से 11 निःशुल्क राशियों के बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जो मैंने आपको ये जो अब तक संकट बताए हैं, जो परेशानियां बताई हैं, अगर किसी के परिवार में, किसी के घर में ये परेशानियां, ये दोष चल रहे हैं तो वो निवारण करा सकता है और हमसे उपाय भी पूछ सकता है। जिस सामग्री की आपको जरूरत है, चाहे स्टोन हो, चाहे पूजा की सामग्री हो, चाहे रिंग हो, चाहे लॉकेट हो, XYZ सभी हमारे यहाँ मिलते हैं, उचित रेट पर मिलते हैं। आप हमारे कार्यालय से मंगा सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको मनी ऑर्डर कर देंगे, आपको पोस्ट कर देंगे, वो आपके घर, आपके स्थान पर सुरक्षित पहुंचेगा और उसी में आपको हम विधि लिखकर भेजेंगे कि आपको किस तरीका से धारण करना है। मेरे दोस्तों, अगर किसी की समझ मेरी ऑडियो वीडियो ना आई हो तो वो हमें कॉल कर सकता है नाइट में 9 से 11, और यदि किसी को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी को करता है नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।